फिर हटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एरा जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई और उसकी जगह जगह जो प्लांट लगे थे वो भी उसके तहस महस हो गए। और इधर देखिए, ये बहुत ही सच्चा दरबार है, ये मैन हाईवे नेशनल एचएच के 24 घंटे जो भी यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है चारों तरफ। बढ़ाने का ठेका लिएगा। अच्छा, तो आपको पता है इससे पहले कितनी मशीनें खराब हो गई, इसके बारे में जानकारी है? जी जी। अच्छा, मशीन है कोई भी खराब हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये आपको लगता है कि मंदिर पीछे हट जाएगा? हट जाएगा जी, हट जाएगा। अच्छा, और कोई इसके बारे में मतलब फिर जो पीपल के वृक्ष हैं उसका और किसी पास टेंडर है? अच्छा, सब हटवाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर, यहाँ से पीपल और यहाँ पर मंदिर बनवाया था। देखिए आप, जो ये मंदिर बनवाया था यहाँ पे बजरंग बली को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था। देखिए आप ऊपर से भी दिखाइए जरा मंदिर को। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर तहसील तेलहर कच्यानी खेरा मंदिर स्थित है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर पर काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि 2 साल पहले इस मंदिर को हटाने के बड़े बड़े प्रयास किए गए थे। जो एरा कंपनी थी उसका बरेली से सीतापुर तक का टेंडर था, मगर उसी नेशनल हाईवे में ये मंदिर बाधा बन रहा था। जब ये बाधा बन रहा था तो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर एरा कंपनी के, उन्होंने इस मंदिर को हटाने के लिए तरह तरह की मशीनें मंगवाईं, मगर मशीनें खराब हो गईं, मशीनें नाकाम हो गईं। उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर को लोगों ने बताया, यहाँ की जनता ने, कि मैनेजर को, परिवार को और मैनेजर को सपना हुआ कि अगर तुमने दोबारा इस मंदिर को हटाने की कोशिश की तो आपका परिवार तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद में मैनेजर सुबह को आया और हनुमान जी से विनती और प्रार्थना करने लगा और अपनी गलती को क्षमा मांगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के तिलहर कच्यानी खेरा हनुमान मंदिर पर इस समय मैं मौजूद हूं, क्योंकि पिछले वर्ष में लोगों को 3 साल हुए जब ये मंदिर के हटने की बात चल रही थी, जब ये नेशनल हाईवे एरा कंपनी का ये ठेका था, तब यहाँ पे कई क्रेने खराब हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पे कई मशीनें आई, दोबारा इस मंदिर को फिर हटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एरा जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई और उसकी जगह जगह जो प्लांट लगे थे वो भी उसके तहस महस हो गए। और इधर देखिए, ये बहुत ही सच्चा दरबार है, ये मैन हाईवे नेशनल एचएच के 24 घंटे जो भी यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है चारों तरफ से। अब इस मंदिर की जैक द्वारा प्रक्रिया चल रही है हटाने की, अब हम इधर आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले इधर आपको मैं जैक द्वारा दिखाऊंगा, सबसे पहले इधर आ जाइए आप, इधर आओ। देखिए भैया, ये मंदिर कौन सी नई टेक्निक से ये मंदिर हटेगा, देखिए इधर, ये देखिए जैक द्वारा मंदिर ये पीछे हटेगा। और यहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने इसका टेंडर लिया था, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम परवाल है सर। गौतम, आप कहाँ रहते हो? मैं जिला सहारनपुर में रहता हूँ। सहारनपुर, तो इसका टेंडर आपको मतलब हटाने का लिया गया है? पीछे हटाने का, बढ़ाने का ठेका लिया गया है। अच्छा, तो आपको पता है इससे पहले कितनी मशीनें खराब हो गई, इसके बारे में जानकारी है? जी जी। अच्छा, मशीन है कोई भी खराब हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये आपको लगता है कि मंदिर पीछे हट जाएगा? हट जाएगा जी, हट जाएगा। अच्छा, और कोई इसके बारे में मतलब फिर जो पीपल के वृक्ष हैं उसका और किसी पास टेंडर है? अच्छा, सबका अलग अलग टेंडर है। अब पहले तो बता रहे कि मतलब यहाँ पे काफी क्रेन वगैरह खराब हुई, तो अब ये नई टेक्निक से, मतलब ये नई टेक्निक नहीं है, बहुत पहले सालों से चलती है, आप सर्च मार सकते हो गूगल पे। अच्छा जी, इसको पहले हम जैक लगाए जा रहे हैं, आपके देख रहे हैं आप, ये जैक पहले जैक लगेंगे, फिर ये जो हमारा चैनर है ये इसके ऊपर डलेगा, फिर पीछे का फाउंडेशन बनेगी उधर। आप इधर दिखाइए जरा, इधर आ जाएगी भैया। देखिए, मैं आज कच्यानी खेरा जो हनुमान जी का सच्चा दरबार है, इस मंदिर को पीछे हटाया जाएगा और नई टेक्निक जैकों द्वारा। देखिए यहाँ से नीचे ये देखिए जैक लगे हुए हैं, कितने भैया जैक लग चुके हैं अब तक इसमें? लगभग 100 जैक लग चुके हैं। 100 लग चुके हैं, और टोटल कितने जैक लगेंगे इसमें? 200 जैक लगेंगे। 200 जैक। और इधर देखिए, इधर ये इसके पीछे का ट्रैक बनेगा। अच्छा, इधर दिखाइए, एक ट्रैक बनेगा इधर।
डबल ट्रैक बनेगा जिसके जिसे कि रेल का होता है ना ट्रैक, जी जी रेल 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 पटड़ी होते हैं, ऐसे ही ट्रैक बनेगा, पीछे दीवारा होगी उसके द्वारा ही पीछे जाएगा जैको पीछे, और फिर इसकी नींव वगैरह द्वारा भरी जाएगी पूरी, न्यू द्वारा भरी जाएगी, पहले भर दी जाएगी यहाँ पे पहले से इसके बराबर वहाँ से पीछे से पटरी द्वारा ये वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, आगे जैक लगेंगे जो सरकाएंगे इसको और पटरी पे इसको उतारा जाएगा। अच्छा पटरी पे जी, तो इस काम को लगभग कितने टाइम लगेगा? लगभग 2 महीना लग जाएगा, 2 महीने में जी। ठीक, और बहुत बहुत आपने जानकारी दी, और मैं आपको मंदिर का अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा क्योंकि ये नई टेक्निक है, ये मंदिर की मान्यता है कई दिनों से, मतलब कई सालों से, एक प्राचीन, क्योंकि यहाँ के जो महंत हैं वो बताते हैं कि ये मंदिर लगभग 150 साल मंदिर ये पुराना है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर का सीन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे नेशनल चार अंदर से देखिए आप, ये जैको द्वारा इतनी इतनी जो दीवार टूटी, फिर फाउंडेशन भर के जैक द्वारा इस पे बता रहे पटरी जो ट्रैक द्वारा ये मंदिर पीछे सरकाया जाएगा। और इधर देखिए कच्चा पावन धाम है, इधर देखिए यहाँ पे लोगों की मुरादें हैं, जो भी आता है यहाँ पे दूर दूर से, और जो भी ड्राइवर काफी यहाँ मंदिर की मान्यता है। और इधर से इधर देखिए जो प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, उधर से उधर देखिए, इधर ये देखिए जो हनुमान जी की मंदिर है, प्रतिमा है सच्चे मन से जो पूजता है विराजमान। अब आपको देखिए चमत्कार है क्योंकि काफी यहाँ पे मशीनें खराब हो गई थी, जो एरा कंपनी के जो मैनेजर थे, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको रात में सपना आया था, बताया जा रहा है कि उनके बच्चे बीमार हो गए, सब उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया था क्योंकि एरा कंपनी काफी। और इधर देखिए चारों तरफ काफी लोग हैं यहाँ पे। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? हा? आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रेम। अच्छा, तो आपको इस मंदिर पे कितनी साल हो गई? लगभग कम से कम 50 है, ऊपर 50 जब जो तो बनो है हमारे हाथ को बनो है। अच्छा आपके हाथ का? हाँ। अच्छा मुझे इसके बारे में बताइए, जब 3 साल पहले जो मशीनें थी एरा कंपनी की जो यहाँ पे खराब हो गई थी मूर्ति को हटाने के चक्कर, हनुमान जी की प्रतिमा को, तो अब ये मंदिर नई टेक्निक से हटा रहे हैं कि इसमें ये मंदिर सफल होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और फिर जो मशीनें पहले खराब हो गई थी इसमें क्या था चमत्कार, किसका था? देवतन का था। अच्छा देवतन को? हाँ। बता रहे उसमें मैनेजर भी बीमार पड़ गया था, एरा कंपनी का लोग बता रहे थे। हाँ, हाँ। अब वो कंपनी भी मतलब दिवालिया हो गई, बिल्कुल ठप हो गई वो। हाँ। अच्छा, तो मंदिर जो हटवा रहे सबकी सहमति से हट रहा या आपकी सहमति से? ना हमारी कोई सहमति ना, जबरिया हट गए। जबरिया? हाँ। अच्छा, और लोग कह रहे हैं, मैंने सब लोगों से बात कर ली है, सारे संगठनों से और SDM साहब और सारे लोग मिलकर, और उनमें मतलब इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, नई टेक्निक से मंदिर मतलब ना गिराया जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा वहां से, मतलब सरक जाएगा पीछे। वो कोई जरूरी नहीं है, पहले जब आता हम चाहते नहीं चाहते। अच्छा आप नहीं चाहते हो? नहीं। अच्छा, ये लोग कैसे हटा रहे हैं? जबरन? जबरिया हटा गए। जबरिया? हाँ। तो बता रहे आपसे सहमति ली गई, कह रहे आपसे? नहीं हमसे सहमति कोई नहीं। ये मंदिर कितना पुराना है? लगभग लगभग 50 साल है ऊपर है। अच्छा, पहले मड़ैया आया कहिया पर दरी थी, कुआ पर दरी, जब जे तो उठो सब हमारे हाथ को। अच्छा, तो भैया बता रहे इसमें अभी 100 जैक लग चुके हैं, अभी 100 बाकी है, और जिस पीछे फाउंडेशन है, अब जो मंदिर बढ़ेगा फिर ये ब्रह्मदेव बाबा हैं ये कैसे पीछे जाएंगे? कैसे जाएंगे आप बताओ, ये कैसे बनाए जाएंगे? वो कह रहे इस पीपल का मतलब हटाने का दूसरी कंपनी ने ठेका लिया, कैसे हट जाएंगे, संभव हो सकता है? नहीं हट जाएंगे। अगर ऐसे ब्रिज हट जाएंगे तो ब्रिज काटे क्यों जा रहे हैं, उनका भी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब वो उन्होंने कह दिया, अब मान लीजिए मंदिर हट जाएगा पीछे, फिर ये पीपल है अब काफी ब्रिज है, ये कैसे, इनका सवाल है ये कैसे हटे भाई? वो अब वो कह रहे हट जाएंगे, जब कैसे हटेंगे? नहीं हटेंगे काट। अच्छा, और इस पे काफी लोग बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। हाँ। और यहाँ पे गाड़ियाँ रोक के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और बहुत सच्चा दरबार है। हाँ। अच्छा दरबार। अब फिर मतलब इन लोगों को क्या दिक्कत है, जैसे सड़क पीछे से भी निकल सकती थी? सड़क पीछे से निकल सकती, और साथ आगे बढ़ाए देते बिल्कुल आगे तो हर जगह पड़ जाए, जैसे और मंदिर है वो बीचा बीच रोड के में आ गए, देखे होंगे आपने बहुत। हाँ,
मैं यहीं पे देखो संत जी बाबा जी कह रहे हैं मंदिर हट रहा है, जबरन हटाया जा रहा है, इसमें आपकी सहमति नहीं ली गई? नहीं, बता रहे मेरी सहमति नहीं ली गई। ऐसा हटाया जा रहा है, जबरिया हटाया जा रहा है। खेरा मंदिर देख रहे हैं जो हनुमान जी का, इसमें जब एरा कंपनी का यहाँ ठेका था, जो एरा कंपनी का नेशनल एनएच हाईवे का, उसने हनुमान जी की प्रतिमा को हटवाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर यहाँ से पीपल और यहाँ पर मंदिर बनवाया था। देखिए आप, जो ये मंदिर बनवाया था यहाँ पे बजरंग बली को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे मंदिर बनवाया गया था। देखिए आप ऊपर से भी दिखाइए जरा मंदिर को, यहाँ पे पत्थर भी लगा था, भव्य ढंग से मंदिर भी बनाया गया, मगर हमारे बजरंग बली की हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ से हटने को दूर हिली तक भी नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से मंदिर बनवाया था एरा कंपनी ने। और ऊपर आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि जब बजरंग बली नहीं हटे उसके बाद में कई क्रेनें मशीन हटाने को थी, मगर कई मशीनें खराब हो गईं। जब मशीनें खराब हो गईं, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों का कहना है कि मैनेजर वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर एरा कंपनी की उन्हें दिया, मगर कुदरत को मंजूर था, एरा कंपनी का नाम निशान मिट गया, दिवालिया हो गई, जगह जगह उसके प्लांट लगे थे, उसका जो सामान था वो भी चोरी हो गया। अब हनुमान जी को जैक द्वारा पीछे फाउंडेशन पर रेलवे के जैसे ट्रैक होते हैं उसके द्वारा हटाया जाएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आप देखते रहिए डीके भारत न्यूज। एरा कंपनी द्वारा बनवाया गया ये मंदिर, इसमें हनुमान जी शिफ्ट होने के थे, मगर मंदिर हिला भी नहीं।